सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी फ्रेंड डॉल्फी आपको क्या पढ़ाने वाली है? ई। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? ई। ये क्या है? छोटी ई। इसको कैसे बोला जाता है? ई, यानी कि छोटे स्वर में। और ये है बड़ी ई। ई। इसको किस प्रकार बोला जाता है? लंबे स्वर में। ई। ई से ईद मुसलमानों का प्रसिद्ध त्योहार है। ईद क्या होता है? मुसलमानों का एक त्योहार होता है जिसे हमने भी सेलिब्रेट किया था, आपको याद होगा। और अभी थोड़े दिन पहले भी ईद थी और ईद पे हमने क्या करा था? हमारी छुट्टी थी। ईद। ई से मुसलमानों का प्रसिद्ध त्योहार है। ईद। ई से ईद। ईक। ईक मीठी एवं रसदार होती है और इसका प्रयोग चीनी बनाने में किया जाता है। ई से ईख। ईख यानी कि गन्ना। आप लोग खाते हो इसको, इसका हम रस भी पीते हैं। और इसके रस का प्रयोग किसमें किया जाता है? चीनी बनाने में, जो हम अपनी चाय में, दूध में, किसी भी चीज में, किसी भी मीठे के लिए हम चीनी का प्रयोग करते हैं। सो ई से ईख। ईंट। ईंटों से घर बनाए जाते हैं। ई से ईंट। ईंट क्या होता है? ईंटों से क्या बनता है? घर बनता है। ई से इनाम। इनाम। इनाम प्रतिभागियों का उत्साह और हौसला बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ई से इनाम। कब मिलता है हमें इनाम? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब हम किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और हम क्या करते हैं? जीत जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ई से इनाम। तो हमने आज ई से कौन कौन से शब्द पढ़े? ई से ईद। ईक। ई से इनाम। इनाम। ई से ईद। तो हमने पढ़े ई से ईद, ई से ईक, ई से ईट, ई से इनाम। तो आज आपको ई की प्रैक्टिस करनी है, उसको बोलना है। इसको बड़े स्वर में, लंबे स्वर में बोला जाता है ई। धन्यवाद।